गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है द फिश बास्केट क्लास सिक्स, एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंज लेसन सेवन, इंस्पायरिंग सोल्स। तो ये है एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग, क्या आप एक्सेप्ट करते हो और क्या आप अडेप्ट करते हो, वो इसमें चेंज दिया गया है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रीड रोड अहेड, इट इज सेड दैट, कहा गया है ना कि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। चेंज क्या है? प्रति जो होता है संसार का एक नियम है। फ्रॉम अ यंग किड यू ग्रो इनटू टीनेजर, अब छोटे से बड़े में आते हो। टीनेजर किसे कहा जाता है? जैसे जब बच्चा छोटा हो, जैसे रिंग रिंग के चलने वाला बच्चा है, वो जब बड़े में आता हो तो उसे हम टीनेजर कहते हैं। ओके, देन इंटू एन एडोसेलेंट एंड फाइनली इंटू एन एडल्ट, और वो तब एक यंग में आता है, एक जवान में आता है, और फिर वो बड़ा हो जाता है। एज यू ग्रो यू विल एक्सपीरियंस वेरियस चेंजेस इन योर फिजिकल अपीयरेंस, योर एनवायरनमेंट एंड योर लाइफस्टाइल। आप जब धीरे धीरे बड़े हो गए तो आपके लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मेरे में कुछ चेंज आया है, और अपने फिजिकल अपीयरेंस में, योर एनवायरनमेंट एंड योर लाइफस्टाइल। आप अपने एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ देखेंगे तो वहाँ भी चेंजेस आएंगे, और अपने लाइफस्टाइल में भी। देयर विल बी एन इंस्टेंस व्हेन यू हैव टू स्टेप आउट टू योर कंफर्ट जोन एंड फेस न्यू चैलेंजेस, और जब आप छोटे से बड़े में आओगे उसमें क्या क्या कठिनाई और क्या क्या परेशानी रहेंगी वो आपको सहना पड़ेगा। अगर आप बस बैठे रहेंगे और खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो ये आप जो नेचर है, जो आपकी लाइफ है, उसका आप पूरा मज़ा नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है, दोज हु डू नॉट अडेप्ट टू चेंज लेट स्ट्रेंज वाइल विथ लाइफ प्रोग्रेस, जो अपने लाइफ के साथ, जो अपने लाइफ में अडेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने मीन्स वो आगे जाके भुगतेगा। तो यहाँ है, वंस अपॉन ए टाइम ए फिशर वुमन विजिटेड हर ब्रदर होम हु हैज अ गार्डनर इन द नियर बाय विलेज। Due to recent storm at the sea, her fishing business was not doing well and she was thinking of taking up the business of gardening and selling flowers like her brother. She came to the brother's house in the evening with an empty fish basket after selling off the fish in the basket, in the market, sorry. एक बार क्या हुआ, जो फिशर वुमेन थी ना, ये जो बैठी है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो आंटी हैं, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, चलिए ये आंटी हैं, वो अपने लाइफ में क्या एक्सेप्ट करती हैं और क्या अडेप्ट करती हैं। यही आंटी जो है अपने भाई के घर पे गई हैं इवनिंग के टाइम, तो चलिए देखें क्या होता है। तो यहाँ पे आंटी गई, जैसे इनका नाम हम रख दें छुईमुई आंटी, इनका नाम छुईमुई आंटी। अगर वो अपने, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विजिटर हर ब्रदर, वो अपने ब्रदर के घर पे गई, और वो उनका ब्रदर क्या करता था, गार्डनर मीन्स वो जो माली नहीं होते, वो होता, अपने फ्लावर्स बेचता था। और क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो जो ये आंटी है छुईमुई आंटी, वो अपना फिश बेच जो होता है ना फिश, आप खाए होंगे, हाँ वही फिश, वह फिश बेच रहे थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर इतनी तेज़ वो आ गया, भवंडर बाढ़कुल आ गया, तो क्या हुआ, पूरा उनका जो फिश का बिजनेस था वो पूरा बेकार हो चुका था। अब क्या हुआ, अब जो बोल रही हैं, नहीं नहीं अब मैं क्या करूँगी, उस फिश का बिजनेस छोड़ दूँगी और गार्डनिंग का अपना बिजनेस बना लूँगी एंड सेलिंग फ्लावर लाइक अ ब्रदर, और अपने भाई के तरह गार्डनिंग करना शुरू कर दूंगी। और एक दिन क्या हुआ, अपने भाई के घर पे गई इवनिंग के टाइम, एम्प्टी बास्केट लेके, क्यों एम्प्टी बास्केट लेके गई, क्योंकि वो मार्केट में अपनी फिश बेच के आ गई थी। ओके सॉरी, द गार्डनर वाइफ ऑफर्ड हर ए गुड मील एंड आस्क हर टू टेक रेस्ट वाइल द गार्डनर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट एज इट वॉज आते।
Okay. At it was a gardener house, some basket, a beautiful fragrant flower were kept in a room. और क्या हुआ जब वो मतलब अपने भाई के घर पे गई तो जो मतलब एक और आंटी थी उधर, आप उनका नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, तो क्या हुआ वो आंटी बोली आप बैठिए, आप मेरे आप मेरे हस्बैंड की उनकी बहन है तो बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो क्या हुआ जब वो रेस्ट करने लगी तो क्या हुआ वहाँ पे जो मतलब उनका भाई तो गार्डनर था, वो गार्डनिंग करता था, तो उनके कमरे में कुछ तो फ्लावर्स होने चाहिए और थोड़ी तितली भी होने चाहिए, तो जिससे वहाँ पे महक आए। तो क्या हुआ ये रेस्ट करने को बोली और रेस्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्यों? क्योंकि जब भी अपने कमरे में सोती थी जो वहाँ पे मछली की खुशबू आती थी और यहाँ फ्लावर्स की खुशबू आ रही, तो उसे सहन नहीं हो पा रहा, तो इसे कहते हैं एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग। अब क्या है, वेयर द फिशर वुमन वो आस्क्ड टू रेस्ट, और वो जो फिशर वुमन थी वो बोली सो जाओ, आप रेस्ट करो, मैं थोड़ा काम धाम करके आती हूँ। द फिशर वुमन ले ऑन द बेड बट बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर शी कुड नॉट स्लीप, शी वॉज रेस्टलेस एंड बिगन टू फिडजेट। अब क्या हुआ वुमेन को, फिशर वुमेन बोली सो जा, और वो क्या हुआ सो गई, सो नहीं पा रही थी, बहुत लेटी हुई थी, कभी इधर से करवट, कभी उधर करवट, कभी इधर करवट, ऐसे ऐसे करके। तो वो पूछी आप कैसे, क्यों करवट मांग रही, फिशर वुमेन बोली, तो बोली कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ। अब क्या हुआ आगे देखते हैं, द गार्डनर वाइफ हु वॉज सिटिंग इन अ पॉर्च saw her condition and asked why you are। अब जो गार्डनर की वाइफ थी वो पूछी क्या हुआ आपको, आप ऐसे इस करवट उस करवट क्यों मांग रही हैं, क्या हुआ आपको, तो बोल रही है चाहे दूसरे पेज पे crossing from side to side so restlessly। अब क्या हुआ, अब वो इस करवट से उस करवट, ए भगवान मैं यहाँ कहाँ से आ गई, इससे अच्छा मैं घर पे रहती, अपने ऐसे से बोल रही। फिशर वुमन रिप्लाई आई डू नॉट नो डियर, पर हैव द स्मेल ऑफ माई ऑफ फ्लावर्स हैज बीन डिस्टर्बिंग माई स्लीप, कैन यू प्लीज गिव माई बास्केट फिश बास्केट दैट वी श्योरली पुट मी आर स्लीप। अब क्या हुआ बोली फिशर वुमन बोली मुझे पता नहीं डियर, पर मुझे इतना पता है कि जो फ्लावर्स हैं मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे सोने नहीं दे रहे, क्या तुम मुझे वो फिश बास्केट दे सकती हो, जिस वो मुझे पक्का सुला देगा, मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो मुझे पक्का सुला देगा। अब क्या हुआ द फिश, देखो कैसे सोई है इसका, जब फिश बास्केट इसके पास आ गया तो कैसे सोई है तकिया लगा के। ओके द बास्केट वॉज ब्रॉट टू हर, शी स्प्रिंकल वाटर ऑन इट एंड सेट इट नियर हर नोज, देन शी फेल साउंड एंड स्लीप एज नोज ऑल नाइट। अब क्या हुआ जो अब वो जो आंटी थी उसी आंटी वो अपना बास्केट लाई, मतलब उनका बास्केट लाई, ये आंटी जो सोई है छुई मुँह आंटी उनका बास्केट लाई, और फिर वो बोल कुछ पानी उनके ऊपर डाली, छुक छुक करके पानी डाली, और बोली कि मेरे थोड़े नोज़ के पास भी डाल दो ना, मेरे में थोड़ी नाक के पास भी डाल दो ना, तो नाक के पास भी डाली, और वो बोली मुझे एकदम अच्छे से नींद आएगी, अब खराटे मारेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शी हेडेड टूवर्ड्स हर विलेज एंड ड्रॉप द आइडिया ऑफ गार्डनिंग बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज अकस्टम टू स्मेल ऑफ फिश दैट ही कुड नॉट एडजस्ट द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर। ओके दूसरे मॉर्निंग क्या हुआ बोल रहे, अब वो अपने घर चली गई तुरंत, 4 बजे नहीं कि वो घर चली गई। अब क्या हुआ और वो यहाँ पे आके बोल रही है अब मैं बाबा ये नहीं करूँगी, गार्डनिंग का काम नहीं बोल करूँगी, क्योंकि मुझे जो फिश की जो स्मेल है वही मुझे एडजस्ट करती, मतलब मुझे यहाँ वहाँ अट जाती है, एडजस्टमेंट अटा देती है, और मुझे फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर की मतलब खुशबू, फ्लावर की खुशबू एकदम नहीं चलेगी मेरे साथ, मुझे सूने नहीं देगी, खाने भी नहीं देगी वो तो मुझे। This is what happened with most of us when we face a change in life. We resist change because
we have settled into a comfort zone based on our habit experience. We are happy and comfortable doing what we have doing and fear any changes. अब क्या हुआ कि अब वो अब ऑथर हमें बता रहे हैं कि जो हमारे साथ कई मुश्किलें आती हैं अगर उनका अपने लाइफ में सामना ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं है. ही रिजिस्ट चेंज बिकॉज सेटल इन नो कम्फर्ट जोन. वो क्यों उसे मतलब नाकाम कर दी, क्योंकि वो हमेशा कम्फर्ट जोन में रही. ऐसे आप भी तुम कम्फर्ट जोन में रहेंगे. अब वो अगर आप एकदम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो मतलब कि आप जैसे एकदम कंफर्ट जोन में एकदम लाइट पंखा एसी कूलर सब है. एक दिन क्या हुआ, ऐसा इमेजिन कीजिए आग बंद करके लाइट चली गई, अंधेरा, गर्मी बहुत तेज है. तो इसे कहते हैं एक्सेप्ट. आप क्या एक्सेप्ट करते हो और अपने कंफर्ट जोन में रहते हो तो आपको पता नहीं चलता बेस्ड ऑन योर हैबिट एंड एक्सपीरियंस. आपके हैबिट और एक्सपीरियंस पे वो बेस्ड है. वी आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल डूइंग दैट वी हैव बीन बीन डूइंग एंड फियर एनी चेंजेस. अब देखिए यहाँ क्या है, वी आर हैप्पी, हम हैप्पी खुश हैं, एकदम कंफर्ट जोन में भी हैं और हमें कुछ फियर नहीं होता, हमें कुछ महसूस नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है. व्हाट वी आर एक्सेप्टिंग एंड व्हाट आर अडैप्टिंग. तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. कल हम एक और वीडियो लाएंगे एक नई स्टोरी के साथ. ओके नाउ बाय बाय.